हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इस बॉक्स का अनबॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, ये बॉक्स आप देख रहे हो और ये बॉक्स का आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। ये बॉक्स जो हम लोग का आया है, ये बॉक्स जो भेजा है वो है राहुल शिक्षा अकेडमी, यानी सी है राहुल जज का जो क्लासेस चल रहा है उस क्लासेस द्वारा ये बॉक्स भेजा गया है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन और दे दूँ आपको कि मैंने ग्रुप टू का NCE इंटरमीडिएट ग्रुप टू का जो क्लासेस लिया है वो RSS से लिया, यानी राहुल शिक्षा अकेडमी से हमने लिया है। उनमें भी मैंने तीनों सब्जेक्ट का नहीं लिया, मात्र दो ही सब्जेक्ट का लिया है, यानी कॉस्टिंग का और FMSM का। ऑडिट का वहाँ से नहीं लिया, कहीं और से लिया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इसको जो है अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा बुक भेजा है। इसमें बुक है बस, ऑब्वियसली कोई भी क्लासेस से अगर कोई बॉक्स आता है तो बुक वगैरह ही आएगा, तो इसमें बुक्स वगैरह है। बाकी इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कितना सारा बुक्स है और किस तरह का बुक्स वगैरह दिया है, तो डिटेल में इसके बारे में अभी हम लोग फिर बात करेंगे बाद में। चलिए इसको फाड़ के देखते हैं ना कि आखिर इसमें है क्या चीज। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें दो बॉक्स है, एक ये और एक ये। दो बॉक्स होने का रीज़न ये है कि एक जो है वो कॉस्टिंग के लिए और एक FMSM के लिए। पहले इस बॉक्स को खोल के देखते हैं इससे क्या निकलता है। हालांकि स्पेशली बताया नहीं है कौन बॉक्स किसके लिए है। ये तुम्हारा बॉक्स है, कितने बॉक्स है इसमें? एक, दो, तीन और चार। इसमें चार बुक है और ये कॉस्टिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्योंकि कॉस्टिंग है लिखा हुआ है, देखिए कॉस्टिंग के लिए स्पेशल चार बुक्स है। तो ये MCQ बुक्स है जो बहुत छोटी है और कलरफुल में। सबसे खूबसूरती बात यह है कि पूरा कलरफुल में है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें भी कुछ है, लिफाफा आया है, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। अच्छा, और कुछ विशेष वगैरह है, मतलब है ना अपने तरफ से ग्रांड विशेष करता है जो, वही है। कुछ स्टिकर से इसको रखते हैं बाद में, कोई काम का है नहीं अपने लिए ये, लेकिन अच्छा लगा ये विशेष दिए हैं, बहुत खूबसूरत है ये लिफाफा। ये है MCQ बुक जो बहुत पतली सी है और एकदम बहुत ही खूबसूरत है, कलरफुल में पूरा है। दूसरा बुक की अगर बात करें तो ये कॉस्टिंग गाथा का मतलब ये है कि इसमें जो है अब पूरा थ्योरी है, जो भी थ्योरी पूरा चैप्टर में हम लोग का वो थ्योरी को एक बुक में कर दिया गया है। ये भी कलरफुल में है पूरा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखो, और ज़्यादा मोटा भी नहीं है, एकदम पतला सा है। और कॉस्टिंग का इसमें पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है। और ये तीसरी बुक जो है ये होम पेजल, ये भी बहुत पतला सा है और इसमें जो है जो क्लासेस में होमवर्क, मतलब क्लासेस में दो बुक है, एक होम पेजल एक होता है क्लास पेजल थोड़ा सा इसके कंपेयर में मोटा है। और ये भी तुम्हारा कलरफुल में ही है। क्लास पजल का मतलब ये है जो क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व कराते हैं, और होम पजल का मतलब ये है कि जो हमें होमवर्क दिया जाता है। बेसिकली जो होम पजल में जैसा प्रैक्टिकल, इसमें जो भी प्रैक्टिकल है इस प्रैक्टिकल को होम में करने के लिए देता है। ये भी कलरफुल में है, बहुत खूबसूरत लग रहा है और पेज की क्वालिटी भी बहुत मस्त है। ये होम पजल का मतलब होमवर्क और ये क्लास पजल का मतलब जो क्लास में सर जो सॉल्व करवाते हैं ना। ये रही कॉस्टिंग की। अब ओपन करते हैं FMSM के लिए कि इसमें कितना बुक्स है। पैकिंग इतना हैवी किया है ना कि क्या ही बताएं। ये है तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM के लिए। ये है MCQ बुक्स, ये भी है MCQ बुक। ये तुम्हारा SM2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट SM1 अलग अलग करते हैं फिर समझ में आएगा। ये SM यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 2 यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। SM के लिए दो बुक्स आए, दोनों पतला है। एक का नाम है सागा, यानी इसमें जो है दोनों थ्योरी पला ही पार्ट है। इसमें भी वही है, इसमें कुछ पार्ट को यहाँ से रखा गया है, कुछ पार्ट को इसमें रखा गया, तो इसमें दो बुक है बेसिकली SM में। आगे चलते हैं, SM में तीन बुक है सॉरी। ये एक छोटी सी MCQ बुकलेट से जो बहुत ही पतला है और ये भी कलरफुल में है, तो
ये भी तुम्हारा एसएम के लिए है, एसएम के लिए 3 बुक है। और बाकी एफएम का देखते हैं कितना है, ये एमसीक्यू बुक है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम के लिए, एमसीक्यू बुक है, लगता है हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एमसीक्यू बुक है। और ये एक होम पजल, जैसे एफएम में है, क्या बोलते हैं कॉस्टिंग में है, वैसे एफएम में भी है एक होम पजल। होम पजल का बहुत ही पतला है, इसका मतलब ये है कि आप क्लास में जो भी सर कराएंगे उसके रिलेटेड कुछ होमवर्क देंगे, होमवर्क वाला क्वेश्चन इसमें रहेगा जो खुद से करना रहता है। ये है गाथा, गाथा का मतलब ये है एफएम का, जो एफएम का जो जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है, बुक में जो पढ़ना पड़ता है वो सारा एक बुक में कर दिया गया, ये भी कलरफुल में है, तो इसमें थ्योरी पार्ट है ना। ये हो गया तुम्हारा गाथा, और ये हो गया तुम्हारा क्लास पजल एफएम का। यानी क्लास पजल का मतलब ये हुआ कि क्लास में जितने प्रैक्टिकल वाला पार्ट है इसमें से प्रैक्टिकल है, तो सारा प्रैक्टिकल सर क्लास में कराएंगे। तो एफएम में हो गया तुम्हारा 4 बुक्स जो बहुत ही कलरफुल में है, एसएम में हो गया तुम्हारा 3 बुक्स, और इधर अगर बात करें हम लोग कॉस्टिंग में, तो कॉस्टिंग में हो गया 4 बुक। तो 4 4 8 3 11 11 बुक्स आया है, जब इतनी छोटी छोटी बुक्स है, पतली पतली बुक है, और 11 बुक इतने तो कम, कितना ही कम देख सकते हैं। इसमें 11 बुक्स है, 4 बुक्स एफएम का, 4 बुक्स कॉस्टिंग का, और 3 बुक्स एसएम का। तो मटेरियल देख के बहुत अच्छा लगा कि मटेरियल बहुत ही अच्छा क्वालिटी में है, कलरफुल में है, और एकदम फ्रेश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा और समझ में आ गया होगा कितना सारा बुक्स है। बेसिकली ऑडिट का हमने जो है कहीं और से क्लास लिया है, तो इसमें जो भी बुक्स आपने देखा वो एफएम एसएम का है, और क्या बोलता है कॉस्टिंग का है। कॉस्टिंग का वही क्लास पजल के नाम से जो दिखाया आपको, और एक होम पजल के नाम से, बाकी एक गाथा वगैरह जो भी है, तो 3 4 बुक करके दोनों में है। और बाकी रिव्यू क्या है क्लास का, सर कैसे पढ़ाते हैं वगैरह, तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ बुक के बारे में दिखाना था कि बुक क्या क्या सब बुक, मतलब कौन कौन सा बुक्स रहता है और कितनी मोटी है पतली है, उसके बारे में दिखाने का पर्पज़ था। बाकी रिव्यू इसलिए अभी पहले इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हम खुद से पढ़ के सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आपको वो रिव्यू करके नहीं बताएं, क्योंकि एक बार हमसे मिस्टेक हो चुका है कि शुरू शुरू में हमने बता दिया था कोई एक टीचर का, हालांकि नाम नहीं लेंगे, नाम लेने से जो विवाद हो जाता है, उस टीचर का हमने रिव्यू दे दिया, जैसे क्लास ज्वाइन किया था, एक दो दिन पढ़ा, अच्छा लगा और रिव्यू दे दिया, बाद में पता चला कि नहीं मामला गड़बड़ है। फिर हमने जब उसके लिए काउंटर वीडियो बनाया तो फिर बाद में सारा स्टूडेंट करने लगे, भैया पहले तो आप बताए थे कि ये सही था, आप बता रहे हो गलत है, तो इसलिए पहले अभी तो हमको ठीक लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो पढ़े हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन टाइम और लेते हैं, देखते हैं 4 दिन और पढ़ के फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। जब तक अपने आप को सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाए तब तक हम किसी को भी सलाह नहीं करते हैं कि भाई तुम, हम जो कर रहे हैं वो तुम भी, जिससे हम क्लास ले रहे हैं उससे तुम भी क्लास रहो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम अच्छा सेटिस्फाई हो जाए, पहले देख लें कैसे पढ़ाते हैं। 2 4 दिन मतलब अभी लगभग तो 8 से 10 दिन क्लास किए हैं, 2 4 दिन और लेते हैं, फिर रिव्यू करके बताएंगे आपको कि राहुल सर कैसे पढ़ाते हैं, है ना। तो चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।